अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी देर बाद जो है मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी मसले मसाइल जो थे बन गए थे बीच में काफ़ी ज़्यादा, और अभी जो आप व्लॉग देख रहे हैं काफ़ी देर बाद देख रहे हैं, कोई रेमेडी किसी तरह की भी शेयर नहीं कर सकी मैं किसी रीजंस की वजह से। तो अभी जो है मैं आउट ऑफ कंट्री विज़िट करने जा रही हूँ मदर को, तो सोचा कि आपके साथ जो है ये चीज़ें जो हैं वो शेयर करूँ। और बहुत से लोगों ने जो है उनके लिए दुआ भी की थी, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनकी जिन्होंने मेरी मदर के लिए जो है वो बहुत सारी दुआ की थी। बट की प्रेइंग दुआ में अभी भी याद रखिएगा, ये शी इज स्टिल इन हॉस्पिटल। तो अभी हम निकले हैं एयरपोर्ट के लिए, और जो कि तकरीबन अभी फ़्लाइट थी तकरीबन कोई दो से तीन घंटे बाद। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 4-5 घंटे लेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था। और 12:30 बजे जो है वो टेक ऑफ था, तो हमने स्टिल जो है वेट किया एयरपोर्ट पे। और रात को यहाँ पे तकरीबन जो है हम लोग चेक इन करने वाले थे, बोर्डिंग पास हमें मिलने वाले थे, तो यहाँ हम लोबी में स्टे किया हुआ था हमने। काफ़ी टाइम बाद जाके जो है तकरीबन 1:30 बजे का बोला हुआ था, 2:30 बजे जाके जो है वो जहाज़ चला, और उसके बाद हम तकरीबन 7:30 बजे जो है वो टर्की पहुँचे थे। मैं टर्किश एयरलाइन मैंने खुद जो है वो पसंद की थी कि हम टर्किश एयरलाइन पे जो है वो विज़िट मतलब करेंगे, ट्रेवल करेंगे, लेकिन बहुत ही चीप और अजीबोगरीब सी ये बहुत अनोइंग एयरलाइन है, बहुत ज़्यादा इसे तंग है। फिर लाहौर फ्लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हुई। उसके बाद जब हम टर्की विज़िट किया तो उधर भी प्लेन जो है वो जा चुका था, और हम लोगों की फ़्लाइट 12 घंटे जो है वो हमें 12 घंटे के बाद जो है वो फ़्लाइट दोबारा लेनी पड़ी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब टर्की में जो है इतना बड़ा एयरपोर्ट पे हम लोग कहाँ जो है वो स्टे करें, 12 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और बड़ा अच्छा ये ख़ूबसूरत व्यू नज़र आता है प्लेन के बाहर से। और अगर जब हम आगे US का विज़िट करेंगे टर्की से, तो वहाँ पे नीचे सब सारा जो है वो आइस होती है, जो कि फुल आइस होती है, और प्लेन के शीशों के ऊपर भी जो है वो आइस हो जाती है। और प्लेन का जो टेम्परेचर होता है, जो बाहर का टेम्परेचर होता है, वो -68 तक जाता है। तो जी ये हम लोग टर्की एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, और टर्की एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद पता चला कि 12 घंटे जो है वो फ़्लाइट डिले है, जिसकी वजह से हमें एयरपोर्ट पे जो है वो स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि हम आउट ऑफ एयरपोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए हमें टर्की का वीज़ा रिक्वायर्ड होगा, देन कोरोना टेस्ट दोबारा से। तो जी यहाँ पे हम टर्की के लाउंज में ठहरे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम नहीं फिर सके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले ही थकी हुई थी। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह और थोड़ी सी चीज़ें स्नैक्स वगैरह थी जो मैंने सोचा कि हम ले लेते हैं। उसके बाद काफ़ी लॉन्ग स्टे है, सारी रात गुजारनी है, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे खाना पीना हो जाए। तो काफ़ी टेस्टी ऐसी चीज़ें थी, बट लाइट स्नैक्स थे, और ये बटर थे और जैम वगैरह था। काफ़ी अच्छा जो है इनका एक ब्रेड होता है बेक, वो क्रंची ब्रेड, वो तो बहुत टेस्टी होता है। उसको आप जो है वो बटर के साथ या जैम के साथ जो है वो लगा के खा सकते हैं। बहुत से लोगों को इसका जो है वो आइडिया होगा। और यहाँ पे जो है अभी समझ में नहीं आ रहा था अभी मैं यहाँ पे क्या लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट हो चुकी थी वहाँ से, और उसके बाद आगे से इतना लंबा स्टे करना था। ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल लाइट पेट में लेके, उसके बाद मैंने साथ में जो है वो कॉफ़ी ले ली थी कि थोड़ी सी आंखें जो है वो खुली रहे और शायद थोड़ी सी थकावट जो है वो कम हो जाए। तो कॉफ़ी यहाँ पे 4 किस्म की कॉफ़ी थी, तो इसमें से एक जो है वो मैंने चूज़ की थी, और एक जो है वो यहाँ पे सारा कुछ लेके तो मैं अपने सिटिंग एरिया में जो है वो वापस आ गई थी। काफ़ी रिलैक्सिंग एरिया था, बाहर तो बहुत ज़्यादा रश था और इतना ज़्यादा शोर था कि वहाँ पे आप अपने 12 घंटे जो है वो नहीं गुजार सकते। तो अगर आपका विज़िट होता है टर्की टर्किश एयरलाइन से ट्रेवल होता है और आपको स्टे करने का समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ लॉन्च जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कि लॉन्च जो है वो रीज़नेबल भी है, और साथ में आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल जाती है, खाने पीने की एंड अदर थिंग्स। तो आप तो जो है वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आपका लॉन्ग स्टे होता है, बहुत ही ख़तरनाक अजीब
उसे तो अब तो खैर यहाँ पे जो है वो मैंने चीज़ें जो है वो कॉफ़ी वगैरह और साथ में थोड़े से इसके साथ रख लिए थे, ये शुगर जो है वो मैं पिक कर रही हूँ, या फिर ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, सब किस्म की चीज़ जो शुगर है वो पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैं जो है वो लेके और फिर अपने सिटिंग एरिया में जो है वो वापस आ जाऊँगी। कुछ चीज़ें दिखाते जाऊँ, ये जी जैम है डिफरेंट किस्म के, अगर आप पसंद करते हैं क्रंची बन के साथ तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी किस्म के कोक, पानी के बॉटल, जूसेस वगैरह थे, तो यहाँ से मैंने जो है वो जूस लिया और पानी की बॉटल। और ये जी यहाँ पे मैं दिखाऊँ, यहाँ पे लस्सी भी पड़ी हुई थी, यहाँ पे पैक लस्सी भी थी। यहाँ पे आके मैं बैठी थी ताकि थोड़ा सा अच्छा, ये बड़ा कंफर्टेबल एरिया था। और इसके बाहर जो है वो सारा टर्की जो है वो आपको यानी कि नज़र आ रहा होगा, ये बाहर सारा टर्की है। रात का टाइम है और तकरीबन यहाँ पे जो मॉर्निंग टाइम भी बहुत लेट है और इवनिंग टाइम भी बहुत लेट है। उसके बाद ये काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जो है चेक इन करने से पहले यहाँ से हम लोगों ने ये थोड़ा सा खा लिया था खाना, और बहुत टेस्टी था। राइस के साथ ग्रिल चिकन था, साथ में कोक वगैरह, तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जी यहाँ पे मैं वॉशरूम यूज़ करने गई थी कि एक दफ़ा चेक इन करने से पहले जो है वो वॉशरूम यूज़ करना, तो ये मुझे यहाँ पे मिली थी। बहुत अच्छी थी ये। बता रही है यहाँ पे वॉशरूम है जबकि हम वॉश शावर लेने के लिए यूज कर सकते हैं। ड्राई है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा बना है। और यहाँ पे आपका क्लोजेट है ये वाला, और यहाँ पे जो है शावर शैम्पू, ओके शावर जेल, एंड दिस इज शावर स्प्रे, एंड व्हाट यू वांट, जब किसी भी तरह से जो है शावर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस सो ब्यूटीफुल। काफ़ी टाइम हो चुका था, काफ़ी बैठ के काफ़ी मोबाइल पे एक्टिविटी कर ली और इधर उधर, तो अब हमारा का टाइम हो गया था चेक इन करने का। तकरीबन यहाँ पे कोई तकरीबन 6:30 है और बोर्डिंग टाइम जो है वो 7:30 का था। तो हाँ, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, तो काफ़ी वॉकिंग करके हम लोगों को D11 गेट के ऊपर पहुंचना था बोर्डिंग के लिए। 8:30 बोर्डिंग क्लोज हो जानी थी और 8:35 पे जो है वो जहाज़ टेक ऑफ जो है वो करना था। तो काफ़ी टाइम के बाद हमने अपनी जो है वो अपनी जगह पे पहुंचे। यहाँ पे अब काफ़ी रास्ता है जो कि वॉक इन का है और काफ़ी दूर है D11 जो है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइंस DEF, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है टर्की का, काफ़ी ह्यूज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टर्की एयरपोर्ट पे कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है, आपको होटल स्टे करने के लिए जो है वो टर्की से बाहर निकलना पड़ता है। बट जिन लोगों के पास टर्की के वीज़े नहीं होंगे उन लोगों को ऑफकोर्स थोड़ा सा मुश्किल फेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टे करना भी कोई इतना कोई ईजी नहीं है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अगर आप टर्की से विज़िट टर्की एयरलाइन से जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो आई थिंक आप इसको मेक श्योर कर लीजिए कि ये जो आपका फ्लाइट है वो डिले नहीं होगी। अदरवाइज़ कतर और एमिरेट्स जो हैं वो बेस्ट हैं ट्रेवल के लिए। बट ही मैंने अपने शौक से जो है वो ट्रेवल किया था इस एयरलाइन पर। सो अल्लाह अल्लाह करके जो है हमारे 12 घंटे जो हैं वो गुजर गए, और उसके बाद जो है वो बोर्डिंग का टाइम आया और टेक ऑफ का टाइम आया। तो शुक्र किया ये टाइम भी अल्लाह ताला ने खैर के रहस्य जो है वो गुजार दिया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा
मुश्किल था, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जाते ही जो है वो हॉस्पिटल का विज़िट भी करना था क्योंकि फ़्लाइट वहाँ पे कोई 1:30 बजे तक जो है वो 1:30-2 बजे के करीब जो है वो पहुँच जानी थी। मज़े का पार्ट है, यहाँ पे कैमरा है, लाइव कैमरा जिसको हम देख सकते हैं जहाज से बाहर। तो ये जो नीचे है सारा आइस है जो कि स्टिल जमा हुआ है, और ऊपर का जो ये टेल कैमरा है जिससे आपको आपका प्लेन जो है वो उड़ता नज़र आएगा, और नीचे देखिए जो है वो आइस काफ़ी खौफनाक लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर नहीं लगाया। तो मैंने देखने के बाद जो है ना इसको एक दफ़ा बंद कर दिया था सिर्फ आप लोगों के लिए जो मैंने इसको नहीं जी। हम यहाँ पे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जो है वो पहुँच चुके हैं, और मैं सिस्टर का वेट कर रही थी कि कब आएगी और हम लोग जो है वो घर जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र वो टाइम से आ गए थे, और ये सारा जो है एयरपोर्ट है जहाँ पे हम उनका वेट कर रहे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी मामा के साथ। ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, काफ़ी देर बाद जो है वो वीडियो अपलोड करी लेकिन बहुत बहुत अच्छी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी डेली बेसिस पे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।